बार ना घंटी बजा देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हारी फोन तुम्हें घंटी बजे। काशी समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया यहाँ पर मौजूद मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण यहाँ पर मौजूद बुजुर्गों नौजवान साथियों हम सबके चहेते नेता अजीमुशान शख्सियत नौजवानों के नेता किसानों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आ चुके हैं तो समय बहुत कम है मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी इस चुनावी जनसभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय ओम शिव मिश्र जी, मंच पर उपस्थित महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी, पूर्व सांसद कैलाश यादव जी, हमारे आपके और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश साखी जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक मंत्री विनय साखी जी, श्रीमती रेखा यादव जी, यहां की विधायक नादिरा सुल्ताना जी, विक्रम यादव जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पूर्व विधायक जीनत खां, मानपाल सिंह जी पूर्व मंत्री आदरणीय मानपाल सिंह जी, श्रीमती किरण यादव जी, सदवान साकी जी, मनीष यादव, राकेश राजपूत, जयप्रकाश मौर्य जी, अदनान मियां साहब, देव राजपूत जी, अविनाश, राकेश वाल्मीकि जी, महेश दिवाकर जी से लेकर के बड़ी संख्या में जो साथी बैठे हैं, प्रविंदर राणा जी जो अभी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, प्रविंदर राणा जी, कमल सिंह लोधी जी, पुष्पेन धनगर जी, पंकज पुंडे जी, हेमलता लोधी जी, राजवीर सिंह जी और हमारे हसरतुल्लाह शेरवानी जी, नाशी खान जी से लेकर के बहुत सारे हमारे साथी जो मंच पर उपस्थित हैं, जो हमारे मंच पे हैं, सभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी के सभी नेतागण जो दूसरे मंच पे हमें दिखाई दे रहे हैं, सभी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता और इस चुनावी जन किसान भाई और बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में आए हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां 40 डिग्री से ज्यादा आज टेम्परेचर है और उस मंच से लेकर के जनसभा जहां लोग आपस में खड़े हुए हैं, जहां हम लोग खुले में खड़े हैं, हो सकता है वहां तापमान कम हो लेकिन जहां आप लोग खड़े हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर खड़े हुए हैं, मैं समझता हूं हम लोगों से ज्यादा तापमान वहां हमें दिखाई दे रहा है। मैं सबसे पहले भगवान बरहा जी के इस मोक्ष स्थली को प्रणाम करता हूं, इस धार्मिक स्थान जहां पर न केवल आपके आसपास के बल्कि प्रदेश और देश के लोग यहां आते हैं, ऐसी पौराणिक और धर्म से जुड़े हुए स्थान का सबसे पहले मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ
ये वो क्षेत्र है जहां से एक भाईचारा का संदेश आज से नहीं सदियों से जाता रहा है। अगर एक तरफ जहां भगवान तुलसीदास जी और दूसरी तरफ जहां पर हमारे बहुत ही बड़े और जिनको न केवल भारत में बल्कि दुनिया में जिन्हें उनके अपने काम की वजह से और साहित्य को लेकर के पहुंचाने की वजह से हम और आप लोग जानते हैं, जहां एक तरफ तुलसीदास जी हैं वहीं दूसरी तरफ खुसरो को भी हम लोग आप लोग सब जानते हैं। ये वो स्थान है जिसने मिलीजुली संस्कृति को और भारत की संस्कृति को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है। ये वो स्थान है जहां पर हम सब मिलकर के रहते हैं, वहीं हम आपसे निवेदन करने आए हैं। जहां हमारे बगल में इन्हें रुका रहने दो, यहीं पर रुका रहने दो, बस जो जहां है वहीं खड़ा रहे। हमारे बगल में मां गंगा का भी एक पुराना महत्व बना रहा है, इसलिए जहां आज तीसरे चरण के लिए हम आप लोगों से मतदान के लिए अपील करने आए हैं, वहीं आप लोगों ने जाना होगा और जानकारी मिल गई होगी कि पहले चरण से ही इंडिया गठबंधन बढ़त बना चुका है और जो पश्चिम से हवा चली है जो अब इस क्षेत्र से गुजर करके जाएगा चुनाव, हमें पूरा भरोसा यहां के किसान नौजवान मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके दिल्ली वाले और लखनऊ वाले आपके बीच में आकर के न जाने कौन कौन सी बातें रख रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं ये जागरूक जनता है, समझदार लोग हैं। ये 10 साल जो दिल्ली की सरकार के जो 10 साल गुजरे हैं, अगर उसका आकलन करेंगे और पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आपने देखा होगा कि किसान के सामने कितना संकट पैदा किया। ये वही सरकार है, दिल्ली में पूरे देश का किसान गया और किसान ने कहा कि हमें एमएसपी का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वादा किया था कि जब वो सत्ता में आ जाएंगे तो हर किसान की आय दोगुनी कर देंगे, फसल की कीमत इतनी होगी कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, मुनाफा होगा किसानों को। लेकिन जब किसान अपना हक और अपने अधिकार को मांगने गया दिल्ली, तो उसको रोकने के लिए न जाने क्या क्या इंतजाम सरकार ने किए थे। आपको याद होगा, सड़क रोक दी गई, बैरिकेडिंग लगा दी गई, बड़ी बड़ी आरसीसी की दीवार खड़ी कर दी, कीलें लगा दी गई। अगर कोई किसान आंदोलन में शामिल होता था उस पर झूठे मुकदमे लगा देते थे, ट्रैक्टर को डीजल नहीं मिलता था। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं, वो ना किसी की परवाह किए, वो उस आंदोलन को सफल बनाने का काम किया। 1000 किसान शहीद हो गया, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा और आखिरकार सरकार को पीछे हटना पड़ा। जो 3 काले कानून लाए गए थे वो तीनों के तीनों काले कानून वापस ले लिए सरकार ने। वो किसानों की ताकत थी और वही किसान आज भी दुखी है। अगर आज अपनी फसल बाजार में लेके गया होगा तो जो कीमत उसको मिलनी चाहिए वो हमारे किसानों को कीमत नहीं मिल रही है, और जो किसानों के पैदावार को खरीद रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो आजकल इस कारोबार में आ गए, उन्होंने किसानों की फसल को
अपनी नई नई बड़ी बड़ी गोदामें बनवा ली हैं, वहां पर फसल को पैदावार को रख करके बाजार को नियंत्रण करने का काम कर रहे हैं। जब किसान की फसल तैयार रहती है ये सस्ते दामों में खरीद रहे हैं, और जब बाजार में भाव बढ़ जाता है तो यही लोग उद्योगपति मुनाफा कमा रहे हैं। अभी हाल ही में गेहूं, बताओ हमारे किसान भाई और यहां जितने लोग खड़े हैं सब खेतीबाड़ी से जुड़े लोग हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो वादा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ आपको क्या गेहूं की कीमत मिल गई इस बार बाजार में? कहीं सरकारी खरीद हुई हो तो बता दो। ये सरकारी खरीद जानबूझ करके नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी दोस्ती बड़े बड़े उद्योगपतियों से है। आजकल जो बाजार में आटा आ रहा है, जो बड़े बड़े शहर बन गए उनमें जो आटा पहुंचा जा रहा है, पैक करके आटा पहुंच रहा है, ये आपका ही गेहूं खरीद के उन उद्योगपतियों के माध्यम से बाजार में मुनाफा कमाने का काम कर रहे हैं, और इतना मुनाफा कमा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। और जो हमारे गरीबों को राशन भी दे रहे हैं, बताओ गरीबों को कौन सा राशन मिल रहा है? ये सरकार जो कह रही गरीबों को हम राशन दे रहे हैं, हम अपने गरीबों को भरोसा दिलाना चाहते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, और अगर हमें और राशन का इंतजाम करना पड़े और चाहे जिस तरीके से संपन्न लोग शहर में पैक्ड आटा खा रहे हैं, पौष्टिक आटा ले रहे हैं, अगर हमें अपने गरीबों को पौष्टिक आटा देना पड़ेगा तो संपन्न लोग जो शहर में खरीद रहे हैं उसी तरीके से पौष्टिक आटा दिलाने का काम आपके इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार में होगा। और केवल आटा से काम नहीं चलेगा, ये जमाना डाटा का भी है, डाटा। तो न केवल अपने गरीबों को हम पौष्टिक आटा पैक्ड पहुंचाएंगे, साथ ही साथ आपके मोबाइल भी चलने लगे उसके लिए डाटा भी फ्री देने वाले का काम हमारे आने वाले समय में होगा। और इसलिए जरूरी है, याद होगा आपको कि जब कोरोना आया था तो संपन्न लोगों के परिवार के बच्चे तो पढ़ लिख लिए थे क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो जा रही थी, जिनके पास अच्छे मोबाइल थे, इंटरनेट था, लैपटॉप था, उनके बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ सकते थे। हमारे नौजवान जानते होंगे आजकल बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी सुविधाएं ऑनलाइन हैं, हमारा गरीब कहां से इंतजाम करेगा? इसलिए जिस तरीके से समाजवादी सरकार में हम लोगों ने गरीबों को लैपटॉप बांटने का काम किया था, जो आज भी चल रहे होंगे, इसलिए गरीबों को न केवल सरकार की कामकाज से जोड़ने के लिए बल्कि डाटा की फ्री सुविधा देने का काम भी हम लोग समाजवादी सरकार में करेंगे। ये हमारे नौजवान जिन्हें मैं देख रहा हूं, बड़ी संख्या में नौजवान आए हैं, और ये नौजवान इतने हैं कि मैं देख रहा हूं चारों तरफ हमें नौजवान नौजवान किसानों के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये नौजवान ये जानते होंगे कि जब भी ये सरकार ने कोई परीक्षा लिखवाई, इनकी जो भी परीक्षा हुई सब में पेपर लीक हो गया, सब पेपर लीक किए सरकार ने। और मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये जानबूझ करके पेपर लीक किए सरकार ने, और जानबूझ के इसलिए किए हैं क्योंकि ये नौकरी नहीं देना चाहते, रोजगार नहीं देना चाहते, इसलिए पेपर लीक किया।
और इस सरकार ने अगर कार्रवाई की होती जब पहली बार पेपर लीक हुआ था तो 10 परीक्षाओं का पेपर लीक नहीं होता। याद करो जब पुलिस भर्ती हुई, इन लोगों ने कहा कि इंतजाम हो गया, बहुत अच्छा इंतजाम है, सुरक्षित परीक्षा होगी। इन बीजेपी के लोगों ने कहा कि सुरक्षित परीक्षा कराई जाएगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा। हमारा नौजवान जो तैयारी कर रहा था सालों साल से, जो पढ़ाई कर रहा था, मेहनत कर रहा था दिन रात जाग करके, न जाने कहां से इंतजाम किया होगा, फॉर्म भरा और परीक्षा स्थल तक पहुंचा अपना इंतजाम करके, लेकिन जब घर लौट करके आया तो उसे पता लगा कि पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया है और परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, परीक्षा रद्द हो। इस सरकार को मजबूरी में, हमारे नौजवानों के दबाव में परीक्षा को रद्द करना पड़ा। बताओ पुलिस भर्ती का परीक्षा रद्द हुआ कि नहीं हुई? रद्द। और बड़े पैमाने पे हमारा नौजवान घर लौट करके आ गया। हमने कई सभाओं में कहा और बीजेपी के लोगों को बता दिया कि जब किसान आपके खिलाफ है और नौजवान जिनकी परीक्षा छूटी है, 60 लाख ऐसे नौजवान हैं, और यही 60 लाख नौजवानों के अगर परिवार के 2 सदस्यों को हम जोड़ लें तो अगर हम 3 का गुणा 60 लाख से करें, क्योंकि एक जो परीक्षा देने गया था बेटा या बेटी वो, और उसके मां बाप को जोड़ लें तो एक घर के 3 सदस्यों को केवल अगर हम जोड़ें, और 60 लाख ऐसे नौजवान जो परीक्षा नहीं दे पाए, जिनकी परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक हुए, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1,80,00,000 लोग हैं वो वोटर हैं। और 1,80,00,000 का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं में से, तो बताओ 2,25,000 वोट कम हो गए हर लोकसभा में क्या नहीं हो गए? तो बीजेपी बचेगी कैसे? बताओ बीजेपी कैसे बचेगी? याद रखना नौजवान, ये नौकरी और रोजगार तो छीने छीना है, लेकिन घर जाकर के सोचना, इन बीजेपी के लोगों ने एक तिहाई जीवन आपका बर्बाद कर दिया है।